नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आप ने बस में वृद्धा की नकदी व आभूषण उड़ाए, बाथरूम में गिरे व्यक्ति की मौत, मासूम से किया दुष्कर्म। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कई यात्रियों के बीच आपली बस में सफर कर रही एक वृद्धा के साथ चोरी की घटना हुई। थैली काट कर किसी ने नकदी और आभूषण उड़ा दी। आरोपी का सुराग नहीं मिला है। ईश्वर नगर निवासी रजनी प्रदीप राव नागपुर कर मंगलवार की दोपहर करीब 1 से 1.5 बजे के दौरान आपली बस से सिविल लाइन स्थित ट्रेजरी ऑफिस जा रही थी। सफर के दौरान ही उसके दामाद का फोन आया। मोबाइल निकालने के लिए उसने थैली खोली तो थैली कटी हुई थी। उसमें रखी 70,300 रुपए की नकदी और सोने के आभूषण सहित कुल 77,000 रुपए का माल गायब था। संदेह है कि बस में सवार होते वक्त भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर किसी ने प्रकरण को अंजाम दिया है। प्रकरण दर्ज किया गया है लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है। महिला गिरोहों पर शक जाहिर किया जा रहा है जो छोटे बच्चे को गोद में उठाकर बस में सवार होने का प्रयास करती है और भीड़ भाड़ में मौका मिलते ही यात्रियों के कीमती वस्तुओं पर हाथ साफ कर देती है। दूसरी खबर, अचानक चक्कर आने से बाथरूम में गिरे 43 वर्षीय व्यक्ति की मेडिकल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम प्रकाश टेंबुर ने है। घटना 25 जुलाई को हुई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रमाबाई चौक आम्बेडकर नगर वाड़ी निवासी प्रकाश हीरा चंद्र टेंबुर ने गत 25 जुलाई को चक्कर आने पर घर में बाथरूम पर अचानक गिर पड़े। इस हादसे में वह जख्मी हो गए। घायल प्रकाश टेंबुर ने को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान 27 जुलाई को शाम करीब 4:30 पर उनकी मौत हो गई। तीसरी खबर, यशोधरा नगर थाना अंतर्गत मासूम बालिका से किशोर ने दुष्कर्म किया है। मंगलवार को किशोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़ित मासूम बालिका 7 वर्ष की है। 12 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे के दौरान वह हम उम्र बालिकाओं के साथ घर के पास ही खेल रही थी। इस दौरान बस्ती में रहने वाला 16 वर्षीय किशोर झांसा देकर बालिका को अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। प्रकरण के बाद बालिका और किशोर के परिजनों के बीच विवाद हो गया। मामला थाने पहुंचा। जांच पड़ताल के बाद दुष्कर्म की पुष्टि होने से मंगलवार को किशोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।